SNS न्यूज चैनल, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। आज मछलीसर संसदीय क्षेत्र के मछलीसर विधानसभा के गंगा पैलेस में पीएम मोदी के मन की बात को सुनते हुए मछलीसर सांसद बीपी सरोज और उनके साथ में मछलीसर विधानसभा के सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी गण मौजूद रहकर सभी लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात ध्यान से सुनते हुए इस कार्यक्रम में मंडल उपाध्यक्ष मुन्ना पटेल, मनोज जायसवाल, महिला मोर्चा OBC, जिला मंत्री वंदना पटेल सहित आदि लोग मौजूद रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की, जो हमारे देश की जनता काफी समय से मन की बात सुनते रहे हैं, आज उनका 102 एपिसोड था, जो आज उसी कड़ी में यहाँ मछली शहर, जो हमारा लोकसभा है और मछली शहर विधानसभा के अंतर्गत गंगा पैलेस में यहाँ काफी जनमानस के साथ हम लोगों ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की बातों को सुना, मन की बात को। और मैं समझता हूँ कि जब से यह एपिसोड चालू हुआ है, तमाम जो है लोगों ने, हजारों लोगों ने जो है डायरेक्ट जो है अपनी बातों को रखा, जो अपने क्षेत्र की समस्या को रखा, और डायरेक्ट ये पहली बार ऐसा मैं समझता हूँ कि मेरे जीवन में या जब से देश आज़ाद हुआ है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री से देश की जनता डायरेक्ट जो है अपनी बात कर रही है, अपनी समस्या को अवगत कराने का काम कर रही है। इसलिए अपने लोग मछली शहर लोकसभा की जनता की तरफ से अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तमाम पार्टी कार्यकर्ता आपके साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना रहे हैं, तो कितना इस कार्यक्रम को लेकर आज के एपिसोड से कितना लाभान्वित हुए? देखिए, आज जो उन्होंने, आप स्वयं यहाँ पर उपस्थित रहे, जो हमारा जो है कल 19 तारीख को एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। ये हमारा 82 डिग्री कॉलेज के बगल में, ये चक्राबाद विधानसभा में आता है, जलालपुर ब्लॉक के पास। और मैंने जनता से अपील भी किया है, मैं समझता हूँ कि वहाँ 10,000 से भी ज्यादा जो है लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, और जो भी हमारे मुख्य अतिथि SP सिंह बघेल आ रहे हैं, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं और बहुत अच्छे हैं, सुलझे हुए हैं, और उनके विचारों को लोग सुनेंगे और जनता उत्साहित है। मैं समझता हूँ कि 10,000 से वहाँ, हमारे ख्याल से 20,000 से 25,000 लोगों का वहाँ आना होगा, ऐसा मेरा अनुमान। मुख्यमंत्री जी आने का जरूरत प्रस्ताव, देखिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कई जगह कार्य लगा हुआ है और अभी तक हमारे पास उनका प्रोटोकॉल का सूचना नहीं मिला है, और जो भी मंत्री आएंगे उनका स्वागत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हमारे मछली शहर लोकसभा पर हमेशा आशीर्वाद मिलता ही रहता है। माननीय गडकरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे लोकसभा में आए तो एक ही दिन जो है उन्होंने 3-3 NH का घोषणा करके गए, जो हमारे मछली शहर के लिए एक बड़ा जो है तोहफा दिया, जो 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट का उन्होंने ऐलान किया। और माननीय गडकरी जी के साथ मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा तोहफा और क्या चाहिए, वो तोहफे पे तोहफा देते जा रहे हैं, यहाँ की जनता उनको बार बार धन्यवाद देती है। थैंक यू सर। नरेंद्र मोदी भी सुनो, 4-4, 5-5 कार्यक्रम हमारे लोकसभा में हो रहे हैं, और जो भी हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का निर्देश है उससे बढ़ चढ़ करके हम लोग हिस्सा ले रहे हैं, और सभी हमारे काल से जितने जनप्रतिनिधि हैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं सब लोग भाग ले रहे हैं। और सारे जो कार्य हमारी सरकार ने 9 सालों में किया है, जैसे कि जो है सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण का जो 9 वर्ष का कार्यकाल रहा है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का, और आप सब लोग देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आज़ादी के जो 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के तहत मना रहे हैं, ये 65 वर्षों में इतना कार्य नहीं हुआ जो इन 9 सालों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नया कीर्तिमान देने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि हमारा भारत देश हमारे जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व गुरु की तरफ अग्रसर होने जा रहा है, हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे आप नेतृत्व अगर काफी कुछ समय तक मिलता रहे तो वह दिन नहीं कि जब भारत देश पूरे दुनिया का विश्व गुरु बन
बन जाए। लाभार्थी सम्मेलन विभिन्न कार्यक्रम समेत अनेक कार्यक्रम आप द्वारा चलाया जाएगा, कितना जन समर्थन? देखिए अभी कल हमारा जो है लाभार्थी सम्मेलन हुआ, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो है वैष्णो मैरिज हाल मड़ियाहों का रहा, जो टीबी का जो मुहिम चलाने का, स्वास्थ्य के लिए कैसे जागरूक करने का, ये बहुत सारी चीजें जब भी प्रधानमंत्री जी की मन की बात होती है तो जो भी जनता उस मन की बात में भाग लेते हैं तो उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। और मैं समझता हूँ कि अगर जो है समय मिले, जिस कहीं भी अगर आप रास्ते में भी जा रहे हैं और कहीं समय मिल रहा है और मन की बात प्रधानमंत्री जी की चालू है, तो आप रुक करके जरूर जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विचारों को सुने और उस पर जो है आत्मसात करें। तो एक दूसरा सवाल है आज की आप सबसे कि कार्यक्रम सर चला रहे हैं कि 9 साल बेबी साल सर, क्या व्यापक कार्यक्रम है आपके कितनी टाइम कितना कार्यक्रम लेकर टाइम चला रहे? देखिए मैं तो एक दिन में चार चार पांच पांच कार्यक्रम हमारे लोकसभा में हो रहे हैं और जो भी हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का निर्देश है उससे बढ़ चढ़ करके हम लोग हिस्सा ले रहे हैं और सभी हमारे काल से जितने जनप्रतिनिधि हैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं सब लोग भाग ले रहे हैं और सारे जो कार्य हमारी सरकार ने 9 सालों में किया है, जैसे कि जो है सेवा सुशासन गरीब कल्याण का जो 9 वर्ष का कार्यकाल रहा है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का, और आप सब लोग देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि आज़ादी के जो 75 हम लोग 75वां वर्ष अमृत महोत्सव